तो गाइस जब आई गटर को लॉन्च कर दिया जाता है ना, तो उसके बाद भाई इसमें शटरिंग लगाया जाता है ब्रैकेट की मदद से। यहाँ पर मिशन 4 के पास ना स्टील ब्रिज का इरेक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है, जिसका हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है। अभी सुबह के भाई 8 बज रहे और मैं जा रहा हूँ खपुरा ड्यूटी करने के लिए। और लोकेशन की अगर हम बात करें गाइस, तो कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन न्यू गंगा ब्रिज जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर के इस लोकेशन तक ना 12 किलोमीटर 800 है। और अभी हम जंक्शन 4 के पास मौजूद है। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हो जो जंक्शन 4 का फ्लाईओवर का जो स्टील स्ट्रक्चर है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसके आगे भी आप लोगों को लेकर के चलेंगे और कुछ हाईवे वाला जो हिस्सा है ना, उसका भी तस्वीर मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना गाइस, आप लोगों को मैं सारा अपडेट दूंगा इस वीडियो में। और वही गंगा के साइड अगर हम बात करें गाइस, तो इस तरफ में आप देखो आरीवल का यहाँ पर काम चल रहा है। और इसके आगे बढ़ोगे 1 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो आपको 66 नंबर पेयर नजर आएगा और आप गंगा के किनारे चले जाओगे। तो गंगा का वाटर लेवल भी मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो कि हमारे सर्वेयर वाले भैया अभी आने वाले हैं, तो वो आएंगे, उनसे मैं पूछूंगा कि गंगा का वाटर लेवल कितना है। गाइस अभी हमारे साथ है शशि भाई, जो कि भाई सर्वेयर वाले भैया है और इसका डेली का काम है गंगा का वाटर लेवल मापना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा गंगा के अंदर में वाटर लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, तो आज हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि भाई कल का जो वाटर लेवल था वो कितना था, जो कल शाम को इन्होंने नापा था उसका गंगा का वाटर लेवल बताएंगे। तो शशि भाई कैसे हैं आप? अच्छे हैं। सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जी है, सब लोग ठीक ही होंगे। अच्छा, गंगा का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है आजकल, तो डेढ़ अलर्ट भी पार कर गया है। 48.752 हो गया है, लेकिन कल 2 बजे के बाद कुछ घटा है, 15-20 मिनट लगातार का 2 घंटा में घट रहा है। अभी आज के लिए अभी का वाटर लेवल है 48.572। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये थे हमारे शशि भाई, जो कि भाई गंगा का वाटर लेवल का अपडेट दे रहे थे। तो गाइस चलिए आप लोगों को गंगा का वाटर लेवल भी पता चल गया होगा, क्योंकि गंगा का वाटर लेवल काफ़ी हाई है। चलिए मैं आप लोगों को आगे की तस्वीर दिखाता हूँ गाइस। जंक्शन 4 के पास ना स्टील ब्रिज का इरेक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है, जिसका यहाँ पर मटेरियल वगैरह आप लोगों को दिख रहा होगा। जो स्टील गर्डर होते हैं, स्टील बीम आप बोलो या स्टील गर्डर बोलो, यहाँ पे रखे हुए हैं। इसको असेंबल करने का काम अभी भी बहुत बहुत सारा काम बचा हुआ है, क्योंकि अभी आधा ही हुआ है, आधा उस तरफ भी होगा। इस तरह का जो लुक है ना, वो कुछ उस पेयर कैप के भी ऊपर नज़र आएगा आप लोगों को। तो गाइस चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सामने आप देख सकते हो आई गटर काफ़ी सारा रखा हुआ है। उसके बाद फिर भाई माइनर ब्रिज 1 आने वाला है, तो माइनर ब्रिज 1 में भी शायद काम स्टार्ट हुआ है। चलिए मैं आप लोगों को वहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। आज मोटो ब्लॉगिंग के जरिए मैं आप लोगों को नहीं तस्वीर दिखा सकता, क्योंकि भाई मैंने हेलमेट भी नहीं लिया है और मेरा चिन माउंट जो होता है ना, जिसमें मैं फ़ोन को होल्ड करता हूँ, वो टूट गया है। तो गैस ये है पाइल रिग मशीन, इसको पाइल बोरिंग मशीन भी कहा जाता है, जहाँ पर पाइल फाउंडेशन का काम होता है उस लोकेशन पर भाई ये जाता है और बोरिंग करता है ज़मीन के अंदर में। इसको पाइल बोरिंग मशीन भी कहा जाता है जनरली, और पाइल रिग मशीन भी कहा जाता है गैस। तो अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को तस्वीरें दिखा दूँ। और चलिए गैस आगे बढ़ते हैं, सामने ही माइनर ब्रिज 1 है। गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ माइनर ब्रिज 1 के पास। यहाँ पर भाई अभी कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। पिछले बार मैंने आप लोगों को जैसा तस्वीर दिखाया था, बिल्कुल सेम तस्वीर है। इसमें आई गटर रखने का जो काम बचा हुआ था वो अभी भी बचा हुआ है। कुछ आई गटर रख दिए गए हैं और कुछ आई गटर रखने का काम बचा हुआ है। तो भाई माइनर ब्रिज 2 के पास चलते हैं, वहाँ पर कुछ काम हो रहा है, तो उसका तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस अभी हम आ गए हैं माइनर ब्रिज 2 के पास। माइनर ब्रिज 1 से मैं 200 मीटर आगे बढ़ा हूँ, तो यहाँ पर माइनर ब्रिज 2 है, जिसका तस्वीर मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। देख लो गाइस, यहाँ पर पेयर कैप पूरी तरह से बनकर तैयार है और काफ़ी सारे भाई आई गटर भी यहाँ पर बनकर तैयार है। ऑलमोस्ट आई गटर बनकर तैयार हो गए हैं, थोड़े बहुत आई गटर बनाने का काम बचा हुआ है। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पर लंबा सा रखा हुआ है बीम के जैसा, इसको ही भाई आई गटर बोला जाता है। तो भाई इसको PSC गटर भी बोला जाता है गाइस। तो पोस्ट टेंशनिंग वाला ये गटर है, इसका स्ट्रेसिंग का भी मैंने वीडियो बनाया था काफ़ी पहले, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो भाई इसी आई गटर को ना इस पेयर कैप के ऊपर में रखा जाएगा और यहाँ पर एक छोटा सा माइनर ब्रिज बनेगा। तो ये माइनर ब्रिज 2 है और उसके आगे भाई हाईवे वाला हिस्सा है, तो चलिए मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं वायडक्ट 4 का तस्वीर दिखा दूंगा, उसके आगे भी भाई काफ़ी सारा काम चल रहा है। देखो माइनर ब्रिज 2 का जो आई गटर का निर्माण हो रहा है ना, कुछ इस तरह से निर्माण हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये लोग खड़े हैं, पहले नीचे में बेड बनाया जाता है, बेड के ऊपर में फिर ये जाली को तैयार किया जाता है, इसको केज कहा जाता है। तो ये केज तैयार होता है, उसके बाद फिर आप देख सकते हो उस तरफ में शटरिंग लगा हुआ है। शटरिंग लगाने के बाद फिर भाई प्रोफाइलिंग होने के बाद फिर कॉन्क्रीट इसको कर दिया जाता है, फिर वो कुछ इस तरह से नज़र आता है।
जब कंक्रीट हो जाता है, जब शटरिंग निकाल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो गाइस अभी हम हाईवे वाले सेक्शन के ऊपर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारी मशीनरी लगी हुई है और भाई जो सब बेस डालने का काम है ना वो यहाँ पर किया जा रहा है। रोड रोलर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो ब्राउन कलर का आप लोगों को दिख रहा होगा ना भाई, ये रेड स्टोन, इसको ही सब बेस कहा जाता है। इसके ऊपर भाई और भी एक लेयर डाला जाएगा, उसके बाद फिर WMM या क्या बोलते हैं ब्लैक टॉप का काम इसको किया जाना है। तो देखो गाइस काफ़ी शानदार तरीके से हर जगह पे भाई काम चल रहा है। और भाई कुछ इसी तरह का नज़ारा जो है ना आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। जो हाईवे वाला हिस्सा है ना ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक टॉप का ही काम बचा हुआ है गाइस। गाइज़ अभी हम आ चुके हैं वायाडक्ट 4 के पास। जैसा कि आप देख सकते हो गाइज़ यहाँ पर जो वॉल है ना उसका सरिया फिक्सिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। शटरिंग वगैरह अभी लगाने बाकी है, सरिया फिक्सिंग का काम अभी इस साइड में हुआ है और वो वाले जो स्पैन है वो उसमें अभी बचा हुआ है। तो और ब्रिज देखोगे आप भाई जो फ्लाई ओवर है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। ये वायाडक्ट 4 है। तो चलिए गाइज़ और आगे बढ़ते हैं और आगे की तस्वीर आप लोगों को हम दिखाते हैं। वायाडक्ट 4 से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो भाई यहाँ पर आपको देखेगा पेयर कैप का काम होते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेयर कैप का जो काम है ना वो यहाँ पर किया जा रहा है, उसका स्टील फिक्सिंग का काम किया जा रहा है। वो और वो वाले पेयर कैप में आप देख सकते हो जैसा कि शटरिंग वगैरह भी लग गया है और बहुत जल्द उसको कॉन्क्रीट कर दिया जाएगा, फिर वो पेयर कैप पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ से ले करके आपको मैं दिखाऊँ इस तरफ वो जो अंडरपास आप लोगों को दिख रहा होगा वहाँ तक ना एक सेगमेंट यहाँ पर लॉन्च होगा, जिस तरह से आप वायाडक्ट 4 का फ्लाईओवर देखा जैसे आपने, उसी तरह का एक फ्लाईओवर यहाँ पर भी बनेगा। ये वायाडक्ट 4 वाला ही हिस्सा है और इसके आगे भी भाई एक मेजर ब्रिज बन रहा है। चलिए मैं आप लोगों को उसका तस्वीर दिखा देता हूँ। इस लोकेशन की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो चैनेज लिखा हुआ है 15 किलोमीटर 702 मीटर और यहाँ पर CUP है, कैटल अंडरपास। जैसा कि आप देख सकते हो सामने आप लोगों को एक अंडरपास नज़र आ रहा होगा, ये भाई कैटल अंडरपास है। और इसके आगे ही भाई एक मेजर ब्रिज बन रहा है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा काफ़ी सारा आयगटर इसके ऊपर रखा हुआ है। इसका भी काम भाई अंदर में चल रहा है और उसके स्लैब बनाने की तैयारी यहाँ पर किए जा रहे हैं, शटरिंग वगैरह लगाए जा रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा तस्वीर दिखा देता हूँ अंदर की। तो गाइस जब आई गटर को लॉन्च कर दिया जाता है ना तो उसके बाद भाई इसमें शटरिंग लगाया जाता है ब्रैकेट की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्रैकेट लगे हुए हैं उसके अंदर में शटरिंग लगाए जा रहे हैं और आगे वाला जो स्पैन है ना उसके अंदर में भाई शटरिंग वगैरह लगा दिए गए हैं। जैसा कि आप उस तरफ देख रहे होंगे स्पेयर कैप के उस तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा जो लाइन से ब्रैकेट आप लोगों को नज़र आ रहा है उसके ऊपर में शटरिंग वगैरह लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी सरिया फिक्सिंग का काम नहीं हुआ है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम खपूरा बेस कैंप पहुँचने ही वाले हैं और कुछ फिर हाईवे का हिस्सा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, उसके बाद फिर खपूरा बेस कैंप का तस्वीर आप लोगों को मैं दिखा दूँगा। गाइज अभी हम आ गए हैं हाईवे वाले सेक्शन पे, जैसा कि आप देख सकते हो सामने आप लोगों को खपूरा का बेस कैंप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो भाई आज मेरा ड्यूटी यहाँ पर ही लगी है और बेसिकली ये कास्टिंग यार्ड है, तो यहाँ पर जो वायाडक्ट वाला सेगमेंट है ना वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर अपनी ड्यूटी लगी है। आज पूरा दिन यहाँ पर ही रहने वाला हूँ। ये देखो भाई एक्सकेवेटर वाले भैया को कितना स्टाइलिश तरीके से लेके जा रहे हैं, अलग ही अंदाज है भाई इनका, तो मज़े करते हुए जा रहे हैं। मैं अभी खपूरा बेस कैंप आ गया हूँ गाइस, तो वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। तो फिर मिलते हैं आप लोग कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।